अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे क्रैमर्स रूल। तो ये बड़ा इजी सा मेथड है और मेरे से जितना हो सका मैं उतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो जी स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल जो होता है इसमें बेसिकली के बड़ा आसान सा मेथड है जिसमें जस्ट हम फार्मूलाज को इस्तेमाल करके तो क्वेश्चंस को करते हैं और उनको अप्लाई करने से फार्मूला को अप्लाई करने से पहले जो है ना मैं आपको बता देती हूँ कि पहले इनको जो है ना हम फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि ए एक्स और बी की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोफिशेंट्स हैं एक्स और वाई के उन्हें हम इस मैट्रिक्स में लिख देते हैं जो कि हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2, 6, y, 5। ठीक है जी, सॉरी वाई नहीं आएगा, वाई का कोफिशेंट हमारे पास 1 है। ठीक है, जिसके साथ कुछ भी नहीं ना होता, यानी कि कोफिशेंट नहीं होता, सिर्फ कोफिशेंट 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 1, 6, 5। और इनके जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा ना साइन, जैसे इन सब के साथ तो प्लस है तो मैंने प्लस ही रहने दिया, किसी के साथ माइनस हो तो आपने यहाँ पे माइनस ही लिखना है। ठीक है जी, और ये हमारे पास 7 आ जाएगा मैट्रिक्स एक्स जिसमें हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स एक्स वाई, और ये आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 3, 1। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो फार्मूलाज यूज करते हैं, क्रैमर्स जो रूल है इसमें, इसमें हमारे पास होता है कि x इज इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और जो y होता है ना इसमें हमारे पास यूज होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो इस इन डिटर्मिनेंट को फाइंड करने से पहले, ए एक्स और ए वाई को फाइंड करने से पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए ना तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 6, 1, 5। दिस इंप्लाइज ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 5 दरमियान में माइनस का साइन, एंड बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10 माइनस 6 यानी कि 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, यानी कि ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, यानी कि ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ए एक्स और ए वाई किस तरह फाइंड करते हैं। तो ए एक्स हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए होता है ना, इसका जो फर्स्ट कॉलम होता है इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, बी की वैल्यू को डाल देते हैं, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें बी की वैल्यू को। तो फर्स्ट कॉलम वैसे कि हमारे पास 2, 6, तो हमने 2, 6 नहीं लिखना ए एक्स में, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3, 1। तो 3, 1, और सेकंड कॉलम ए का जो है वो वैसे ही होगा जैसे कि 1, 5। ठीक है जी, देखें ए एक्स किस तरह फाइंड करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जो वैल्यूज है उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, यानी कि क्या कर दिया, 3, 1 और 1, 5 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसके बाद अब कौन सा है, हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई। तो ए वाई किस तरह फाइंड हम करेंगे कि फर्स्ट जो कॉलम है वो एज इट इज लिखेंगे हम, यानी कि 2, 6 एज इट इज आ गया। इसका जो सेकंड कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू से, यानी कि हम 1, 5 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 3, 1। ठीक है, अब हमने किया क्या है कि ए एक्स में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया है बी की वैल्यू से, और जो ए वाई है उसमें हमने सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया है, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया हमने बी की वैल्यू से। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 1, 1, 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 6, 3, 1। ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा हमारे पास के ये जो हमने फाइंड कर लिया ए एक्स और ए वाई फाइंड सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और ए वाई लिख लिया, अब सिंपल जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग के डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू
ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 5 − 1 × 1, ए डी माइनस बी सी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी बिल्कुल इसी तरह फाइंड करेंगे कि 2 × 1 − 6 × 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे देखें मैंने क्या किया, ए डी माइनस जो हमारे पास था बी और सी उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 18 × 6 = 3 = 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 × 3 = 15, 15 × 1 − 1 − 1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आ गया हमारे पास 14, और ए वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 = 2 हो गया हमारे पास, और 2 − 18 क्या हो जाता है हमारे पास −16। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 14 आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या आ गया −16। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूलाज ये वाले यूज कर लेते हैं ए एक्स और ये वाले के x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए y डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y क्या हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए y डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या है हमारे पास, ये जो हमने फाइंड किया था 14 है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हमारे पास 4 है। ठीक है जी, 14 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे हम 4 से एक्स, और वाई में हम क्या कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या आया था हमारे पास −16, तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास −16 डिवाइडेड बाय 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, यह आ गया हमारे पास के −16 / 4। अब 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4 और 4 1s are 4, 4 4s are 16, यानी कि x आ गया हमारे पास 7/2 और y आ गया हमारे पास −4। ये हमने फाइंड कर ली है x और y की वैल्यू, जिसमें x हमारे पास आ गया 7/2 और y आ गया हमारे पास −4। तो ये था जी क्रेमर्स रूल, जिसमें हमने ये दो फार्मूलाज थे इनको यूज करके हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को इजीली फाइंड कर लिया है। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।